उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने के ही दिन केदारनाथ धाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड ने 10,010 ई पास जारी किए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने केदारनाथ में रोजाना केवल 800 लोगों को ही जाने की अनुमति दी है। अब केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ और समय तक इंतजार करना होगा। नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से रोक हटने के बाद 18 सितंबर से चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। 19 सितंबर से बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी शुरू हो गई है। 18 सितंबर से ही पवित्र हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। बिहार में बक्सर के ब्रह्मपुर स्थित ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर का अब विकास होगा। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। केदारनाथ धाम के लिए 1 अक्टूबर को हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को हेली सेवा शुरू करने के बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। 200 ई पास हेली सेवा से जाने वाले तीर्थयात्रियों को प्रतिदिन जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड में स्थित बाबा नीम करोरी का कैंची धाम अब और दिव्य एवं भव्य नजर आएगा। राज्य सरकार इसे चार धाम की तर्ज पर विकसित करेगी। नैनीताल प्रशासन ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। आज से शुक्रताल में आरंभ होगी श्रीराम कथा। 6 अक्टूबर तक चलने वाली कथा में पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज लोगों को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की देंगे प्रेरणा। आप दोपहर 1 बजे से संस्कार चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में गंगधार से शिव द्वार तक निर्मित हो रहे धाम का काम तेजी से हो रहा है। ये काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा। अभी तक धाम का 72% काम हो चुका है। उत्तराखंड के चंपावत में स्थित सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरी धाम में प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। रोपवे तैयार हो जाने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। चार धाम यात्रा की निगरानी किस तरह की जा रही है और क्या स्थितियां पेश आ रही हैं? इस बारे में नैनीताल हाईकोर्ट ने हर सप्ताह रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं। चमोली स्थित वैधानिक सेवाओं के प्राधिकरण के अधिकारियों को काम करने का लक्ष्य दिया गया है। मेहदीपुर बालाजी मंदिर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन इस मंदिर का एक विचित्र नियम ये है कि भक्त द्वारा यहाँ के प्रसाद को न तो खाया जा सकता है और न ही किसी और को दिया जा सकता है। इसके अलावा भक्त यहाँ की कोई भी खाने पीने की चीज या प्रसाद को अथवा सुगंधित चीजों को घर पर भी नहीं ले जा सकते हैं। हिमाचल के कांगड़ा में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में आने वाले सैकड़ों श्रद्धालु अब मंदिर की परिक्रमा कर सकेंगे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर न्यास ने लॉकडाउन के बाद परिक्रमा करने के लिए लगाई गई रोक को हटा दिया है। जालंधर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद में 5 अक्टूबर से रामलीला का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला अन्नपूर्णा मंदिर प्रबंध कमेटी तथा न्यू नव युवक रामलीला कमेटी की तरफ से लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर में माँ बम्लेश्वरी देवी का कुंवार नवरात्रि पर्व 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें ज्योति स्थापना 7 अक्टूबर को की जाएगी। उत्तराखंड में चार धाम को मंजूरी दिए जाने के बाद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड के अनुसार चार धाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर 15 अक्टूबर तक ही रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। सुप्रसिद्ध चार धाम की यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन देखो अपना देश पहल के तहत डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चला रहा है। ये ट्रेन पिछले हफ्ते नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। हिसार शहर में रामलीला मंचन हर साल किया जाता रहा है, लेकिन हिसार श्री रामलीला कमेटी कटला अभी तक रामलीला मंचन के लिए जिला प्रशासन से इस बार अनुमति नहीं ले पाई है। ऐसे में अभी इसके मंचन पर संशय बना हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब नई व्यवस्था के चलते ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को नई सुविधा मिलने जा रही है। ये सुविधा महाकाल के अमीर श्रद्धालुओं को मिलेगी, जिससे एक साल तक बिना रोक टोक वीआईपी दर्शन कर सकेंगे
और उनके लिए मंदिर में प्रवेश का रास्ता भी पहले से ही तय होगा। 7 अक्टूबर से बी ब्लॉक डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा में आरंभ होंगे श्रीमद देवी भागवत कथा एवं माँ दुर्गा अभिषेक कार्यक्रम। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का दोपहर 1 बजे से संस्कार चैनल पर प्रसारण देख सकते हैं। कांगड़ा स्थित चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नवरात्र के दौरान लंगर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मंदिर को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रखा जाएगा।